हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रही हैं एक ऐसी नजमा आपी जिनकी आपने बहुत सारे वीडियोस देखकर आपने आप चेहरे पर मुस्कान आई होगी, लेकिन अब इनका एक प्रॉपर शो आ रहा है सोनी लिव पर। यू नो इंटरनेट जब से आया है बहुत सारे टैलेंट्स को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कलेबरेशन हो रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं और सलोनी का ये जो नया शो है कुछ ऐसी ही कोशिश है। सलोनी, आपके वीडियोज़ एज नजमा आपी हम लोगों ने देखे हैं, बट अभी सोनी लिव पर ये कौन सा नया शो क्या कर रही हैं आप? थैंक यू सर। सोनी लिव पर वही है कि हमने हमारी ऑडियंस की हमेशा से यही कंप्लेन रहती थी कि आपके वीडियो बहुत छोटे होते हैं, जैसे ही इन्जॉय करना स्टार्ट करते ख़त्म हो जाता है। तो हमने सोचा था कि हम अपनी ऑडियंस को वही दें जो वो डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा मुझे एक टाइटर फ्रेम में देखा है, कभी मुझे स्टेज पर परफॉर्म करते हुए नहीं देखा था, कभी कोई स्टैंड अप क्लिप मैंने अपलोड नहीं किया था। तो हमने सोचा कि जो वो चाहते हैं हम उनको वही देंगे। तो शो में स्टैंड अप होने वाला है, करंट इशूज़ पर हम लोग जो चीज़ें मिडिल क्लास को अफेक्ट करती हैं हम उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वही मैं अपनी वीडियोस में भी करती थी। मैंने आज तक अगर किसी भी चीज़ को दिखाया तो वो एक मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से ही दिखाया है, क्योंकि हर चीज़ का इम्पैक्ट हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो शो में भी वैसा ही होने वाला है, मेरे जो अपने कैरेक्टर्स हैं वो भी रहेंगे, आप मुझे पहली बार एज सलोनी भी देखेंगे और शो में स्केच भी होता है। जी, तो ये बताएं सलोनी, आप बुलंदशहर से हैं, वेस्टर्न यूपी, एक मैं भी क्योंकि उसी प्रदेश का हूँ वेस्टर्न यूपी का, जो हमारा वेस्टर्न यूपी की लैंग्वेज और कल्चर से लोग ज़्यादा एक्सपोज नहीं है, जनरली लोग ईस्टर्न यूपी को ही यूपी मान लेते हैं। तो क्या आपके लहजा उसी प्रदेश का होगा वेस्टर्न यूपी, जैसे मेरठ मुजफ्फरपुर जो वहाँ की जो लैंग्वेज है, तो क्या आप उस तरह का परिवेश में रहने वाली हैं, कुछ चेंजेस, किस तरह का बैकड्रॉप होगा, किस तरह का एक फील होगा आपका? जी देखिए, मैं बुलंदशहर से हूँ और वहाँ भाषा मतलब नॉर्मल हिंदी बोली जाती है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, हमारा कुछ स्पेसिफिक डायलेक्ट नहीं है, तो ऐसे ही बात करते हैं। शो में मैं भी ऐसे ही बात कर रही हूँ। अब जैसे नजमा आपी है तो वहाँ पर ये एक डायलेक्ट है जो वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी यूज़ करती है, तो नजमा आपी के लिए मैंने वो डायलेक्ट चुना था क्योंकि मैंने वो देखा था, वो मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने वो चुना था। अगर मैं शो में एज सलोनी परफॉर्म कर रही हूँ तो मेरा बोलने का लहजा यही रहने वाला है। अगर नजमा आपी बात कर रही है तो जैसे वो आज तक बात करती आई है वो वैसे ही बात करेंगी, जिस तरीके से लोगों ने उन्हें पसंद किया है वो वैसे ही बोलने वाली है। अगर एज कंगना रनआउट कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो वो उनकी आवाज़ में रहेगा, और कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स भी आएंगे जो अभी हम शो के लिए ही स्पेशली डिजाइन कर रहे हैं, तो वो भी रहेंगे। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी नजमा आपी को, आपने कहाँ डिस्कवर किया? मैंने अपने आसपास ही उन्हें डिस्कवर किया था, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है बुलंदशहर में वो इस तरीके से बात करती है। तो मुझे हमेशा से यही था कि मेरे अगर जितने भी कैरेक्टर्स रहेंगे तो वो मिडिल क्लास ही रहेंगे, मुझे किसी रिच क्लास को नहीं दिखाना था अपनी वीडियोस में। तो जब मैंने वीडियो बनाने का सोचा था तो वो 2018 में ईद की बात है, तो मैंने सोचा था कि एक मिडिल क्लास मॉम जब ईद को देखेंगी तो वो कैसे देखेंगी, और मैंने सोचा था कि मुस्लिम विमेन के कैरेक्टर से ही किया जाए क्योंकि वो ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा। फिर हमने एक नाम सोचा जो हर घर में फेमिलियर हो, तो अब मुझे इतने ज़्यादा मुस्लिम नेम पता भी नहीं थे, तो नजमा एक ऐसा नाम लगा मुझे कि वो यूज़ कर सकते हैं, लोगों को लगेगा कि हाँ ये तो हमने सुना हुआ है, ये तो हमारे आसपास ही कोई रहता है। और मैंने डायलेक्ट भी वो चुना जिससे ऑडियंस थोड़ा रिलेट कर पाए, क्योंकि मैंने ओल्ड दिल्ली जब मैं गई थी एक बार घूमने तो मुझे पता चला था कि वहाँ पर मेजॉरिटी जनता जो है वो इसी डायलेक्ट में बात करती है, और ये प्रॉपरली इसका एक नाम है बेगुमाती, उस तरीके से बोलते हैं, और मुझे इतना प्यारा डायलेक्ट लगा था कि हर एक वर्ड को अपने तरीके से बोलना, तो इसलिए मैंने नजमा आपी के लिए वही चुना था। और फिर एक वीडियो बनाई और फिर काफ़ी एक साल बाद एक वीडियो उनकी वायरल हो गई और फिर सबको वो डायलेक्ट पसंद आने लगा। तो अभी दिवाली का मौका है, तो नजमा आपी के सामने अगर दिवाली के जो पूरा जो इस बार कोरोना से इफेक्टेड दिवाली बन रही है, तो नजमा आपी का रिएक्शन कैसा होगा, एक हमें एक इसका एक झलक दिखला दीजिए इस बार त्यौहार तो पता नहीं चलेंगे। तो नजमा आपी तो यही कहना चाहेंगे, भैया देखो कोरोना फैल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, मैंने तो सुना है कि दूसरी लहर भी आ रही है कोरोना की, तो सब मास्क लगा के रहना और बाहर जा रहे हो तो, वरना घर में बैठो। अब तो वो सलोनी है ना कोई लड़की, उसका शो भी आ गया है तो हर वीकेंड आया करेगा, वो देख लिया करना। तो आप शूटिंग किस तरह से आपके यहाँ बुलंदशहर में करेंगी, इसका स्केल किस तरह का होगा, मतलब आपने थोड़ा मतलब जल्दी आप फोन पे बनाती थी तक? हाँ, तो प्रोडक्शन क्वालिटी तो अब इंक्रीज हो गई है, मैं बुलंदशहर से अब मुंबई आ गई हूँ शूट की वजह से, क्योंकि सारी टीम यहीं पर थी और हमें इसे जो मैं अपने वीडियोस में करती हूँ उससे थोड़ा ग्रैंड करना था,
क्योंकि वो तो ऑडियंस वहाँ देख ही रही है और अब प्रॉपरली सब कुछ होता है, एक सेट है जहाँ पर हम फर्स्ट सेगमेंट शूट करते हैं, जहाँ पर मैं स्टैंड अप कर रही हूँ, स्केचेस हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर शूट करते हैं और सब ऐसा ही होता है। तो आगे क्या प्लान्स हैं? अभी नजमा आप ही को क्या बॉलीवुड पे भी लेके जाएंगी? मतलब एज एन एक्ट्रेस एंड एज परफॉर्मर व्हाट डू यू एम, मतलब कुछ क्या चाहते हैं? पता नहीं, आई मीन मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मुझे इस एज में ये शो मिल जाएगा। मेरा हमेशा से ड्रीम बस इतना था कि शायद कभी किसी बड़े स्टेज पे स्टैंड अप कॉमेडी करने का चांस मिलेगा। मैंने इस शो के बारे में भी कभी नहीं सोचा था, तो पता नहीं, फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन। आगे देखते हैं कि क्या होता है, पता नहीं, बट अभी तो गोल तो इतना ही है, फोकस हमारा शो के ऊपर ही है। एक एपिसोड रिलीज हुआ है, अभी 19 एपिसोड्स और आने बाकी हैं, तो जो हमने फर्स्ट एपिसोड में अगर कुछ गलतियाँ की हैं तो आगे सुधारनी है, बस अभी इतना ही फोकस करते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में जैसे अब मेन स्ट्रीम कॉमेडी की बात करें तो कपिल शर्मा का नाम, भारती, ऐसे लोग हैं, लेकिन खासकर इंटरनेट में भी बहुत सारे लोग भुवन बाम वगैरह उभर कर आए हैं, तो कौन कौन से आपको लगता है इस पूरे जॉनर में, इस पूरे मार्केट में कौन कौन काम आपको बेहतरीन लगते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, आपको लगता है कि उनमें दम है और वो आगे जाके रोल मॉडल्स बनेंगे? सभी में दम है, मतलब वो लोग मुझसे पहले से स्टार्ट किए हैं, मैंने तो उन लोगों को देख के शुरू किया है, मैं ये बोल सकती हूँ। मैंने तो अभी 3 साल पहले शुरू किया था और वो लोग इस फील्ड में मुझसे बहुत पहले से हैं, तो मैं कोई होती भी नहीं उन्हें जज करने वाली कि किसका क्राफ्ट मुझे अच्छा लगता है। हालांकि ये है कि कुछ मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी में अनुभव सिंह बस हैं, ये सब मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैं तो अभी बहुत कम मैंने अचीव किया है, मतलब उनका क्राफ्ट जिस लेवल पर है, वो इतने सालों का उनको एक्सपीरियंस है, मुझे तो उसका 5% भी नहीं है, तो मैं कोई नहीं उनकी क्राफ्ट को जज करने वाली। भुवन बाम ने भी फोन से ही स्टार्ट किया था और वो अभी भी उसी को रिटेन करके रखा है उन्होंने और वो उसको कितने अच्छे से करते हैं, तो मैं मतलब मुझे सबका काम पसंद है अभी। भारतीय आपको कैसी लगती है, क्योंकि अगर विमेन स्टैंड अप कॉमेडियन इस वक्त की सबसे सक्सेसफुल कॉमेडियन भारतीय है, जो मतलब वो रियलिटी में भी ऐसी ही हैं और पर्दे पर भी ऐसी निभाती हैं, तो व्हाट यू फील अबाउट विमेन कॉमेडियंस अदिति वगैरह जो बहुत सारे लोग आए हैं, तो लेडीज एज स्टैंड अप कॉमेडी क्या लगता है आपको? मैंने उन लोगों को मैं एडमायर करती हूँ, उन लोगों ने हमारे लिए रास्ता बनाया है कि आज अगर हम फ्रीली कॉमेडी कर पा रहे हैं, और आज अगर लोग, अभी भी काफ़ी लोग आते हैं जो ये बोलते हैं कि अरे लड़की हो, कॉमेडी करती हो, फनी भी हो, ये तो मतलब ये तो अलग ही कॉम्बिनेशन है, वो ये मानते ही नहीं कि अरे लड़कियां फनी भी हो जाएंगी। तो भारती ने और कुशा कपिला और मल्लिका, तो इन सब ने एक वे बनाया हमारे लिए कि आज अगर हम कॉमेडी कर रहे हैं तो ये कॉमेंट्स हमारे ऊपर कम आते हैं। इन लोगों ने ये भी चीज़ें देखी है कि कोई इनके शो में ना आए या कोई देखे ही ना कि नहीं लड़की कॉमेडी कर रही है तो बकवास ही कर रही होगी, ये चीज़ें अब हमें फेस करने को बहुत कम मिलती हैं, तो ऑब्वियसली मैं उनके काम को एडमायर करती हूँ और उन्होंने हमारे लिए दे हैव पेव्ड द वे फॉर अस। जी, तो सलोनी ऑल द बेस्ट आपके शो के लिए, उम्मीद करते हैं नजमा आप ही की तरह जैसे आपके वीडियोस वायरल है आपका शो भी वायरल हो। इस नई कोशिश, नए प्रयास, नए शो के लिए बहुत बहुत बधाई एंड विश यू अ हैप्पी दिवाली। यस यू टू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।